तो भाई मैं हूँ अभी रेगिस्तान स्क्वायर के बैक साइड में। ये पूरा बैक का एरिया है, देख लो, ये पूरा बैक है बिल्डिंग के एकदम बगल में। ये देख रहे हो आप, ये जो पूरा मॉन्यूमेंट, जो स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया है, ये सिर्फ ब्लॉक से बनाया गया है। जैसे मैंने बताया था, अभी यहाँ पे क्या है, सिंपल पैटर्न्स लगे हुए हैं, मतलब रेक्टेंगल बॉक्सेस से मिला के बड़े बड़े पैटर्न बनाए गए हैं। जहाँ पे छोटे पैटर्न्स हैं, जैसे कि वो है, तो ये लोग पहले करते क्या थे, एक पेपर पर ड्राइंग होगी, उन ड्राइंग को, डिज़ाइन को बीच में कट करेंगे पार्ट्स में और उनके नंबर रख देते हैं। वो नंबर्स को बड़े बड़े टाइल्स के ऊपर चिपका के उसे काटा जाता था। फिर उसको काटने के बाद से जो टाइल्स निकलते थे, चिपकाया जाता था, रखा जाता था। सो उनकी वजह से ना ये छोटे छोटे जो पैटर्न्स हैं वो बनते हैं, पीछे से ऐसा दिखता है। सी जो गुंबद पे काम हो रखे हैं ना, वो बहुत छोटे टाइल्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा छोटे टाइल्स को काटा गया था। और ये तो बड़े बड़े टाइल्स हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इजी है। इजी इन द सेंस क्या है, मतलब बट फिर भी अगर आप सिमेट्रिक देखें और पैटर्न जो शेप्स देखें, वो बिल्कुल भाई ज़रा सा भी ऊपर नीचे नहीं है, कि जो छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया, मतलब सारे एक जैसे सेम है अगर आप दूर से देखोगे। और जो रेक्टेंगल का शेप जो पूरा बना हुआ है वॉल का, वो भी देखो आप, ये छोटे छोटे जो एयर होल्स बने हुए हैं, जो उनके पैटर्न बने हुए हैं, वो भी सारे सिमिलर एक साइज़ के हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है कि कोई छोटा है या फिर बड़ा है। अब जो गुंबद पे आपको सामने दिख रहे हैं ना, उनमें छोटे टाइल्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं। सो वो बहुत ज़्यादा मेहनत और डिफ़िकल्ट काम था एज़ कम्पेयर टू वॉल्स पे काम जो है। तो मैं अभी इसके बैक साइड पे हूँ, गार्डन एरिया थोड़ा सा निकल रहा हूँ अदर साइड पे, बीबी खानू मॉस्क जो दूसरे एंड पे है उस साइड पे जा रहा हूँ मैं। सो फिर वहाँ से वापस लौटूँगा और 5 बजे एनी हाउ मैं हॉस्टल से निकल जाऊँगा। अभी मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाने के बाद से वापस लौटूँगा और इसका जो मेमोरी कार्ड का स्टोरेज है वो खाली करके लैपटॉप से अपने SSD में ट्रांसफ़र करना है, फिर जाऊंगा मैं रेलवे स्टेशन। सी देखो ब्राइड, सो ये हैं ब्राइड्स, तो मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करके आते हैं। सलाम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सलाम। सो ये दो ब्राइड हैं, मैंने इनको सलाम किया और ये फोटो शूट चल रहा है, जा रहा है। आप जब तक भाई देखो, मेरे अंदर भी अभी भी हेजिटेशन है और बहुत सारे ब्लॉगर जो बड़े बड़े हैं उनके में भी हेजिटेशन है, कहीं ना कहीं उनके में भी है, बीच में उन्होंने खुद बोला भी है, बताया भी है। आप इंसान हो, ठीक है, हेजिटेशन आपके में रहेगी, खुलना आपका काम है, कैसे खुलना है वो आपको देखना है पब्लिक में और आपको भी अच्छा लगेगा, तो यू डोंट फील बैड। मैं ये आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि ये गार्ड देखो, जब जब मैंने कैमरा नहीं निकाला है बीच में, मुझे हेजिटेशन हुई है उस बीच कुछ लोग मेरे पास में आए और उन्होंने बोला व्लॉगर, मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मेरे साथ में फ़ोटो भी खिंचवाया, सो आई फेल्ट बेटर एट दैट टाइम एंड मैंने फिर कैमरा निकाल के शूटिंग भी शुरू कर दिया। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ एक्चुअल में पहले कैसे थे और अभी क्या हालात हैं। ये अभी रिस्टोर्ड है पूरी जो मीनार बनी हुई है, और इसके पार्ट अगर आप उधर देखो तो वहाँ से ना लेयर उतर गई है, लेयर इन द सेंस ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई है जो कि टाइल्स की लेयर है, और पीछे की तरफ ना पूरे वो सिर्फ और सिर्फ कलरफुल टाइल्स लगी हुई हैं। तो पीछे का एरिया देखो वो आपको दिख रहा है पूरा कुछ ऐसे ही है, और इधर भी रेनोवेशन का ही काम चल रहा है। सी जैसे उसमें पीछे आपको 2-3 ब्लॉक्स गिरे हुए दिख रहे हैं, वो एक पीछे का पार्ट है, उसके ऊपर से टाइल्स लगाए गए हैं कुछ, अभी ये रेनोवेट हो रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो काम चल रहा है रेनोवेशन का ही वहाँ पे सारा। ये गेट देखो, इसे बोलते हैं कैलीग्राफी, उर्दू में पूरा लिखा गया है और सिर्फ टाइल्स यूज़ किए गए हैं, सोचो कितना शार्प काम किया गया है। अब ये जो पूरा पार्ट है ना जिस पे काम किया गया है, और ये जो आपको साइड में दिख रहा है जितना भी काम किया हुआ है, इसके लिए प्रॉपर पेपर पर डिज़ाइन बनाया गया है, फिर टाइल्स पर रखा गया, उसको काटा गया है, फिर उन सबको अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा गया है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आके रेडी हुआ है। तो ये देखो थोड़ा सा पीछे का एरिया है, ये देख रहे हो पूरा जितना भी है, ऊपर से जो टाइल्स है, जो मेन जो टाइल्स है जिनकी खूबसूरती बनी हुई थी वो निकल चुके हैं, उन्हें रिस्टोर किया जा रहा है। सी देखो कैसे रिस्टोरेशन हो रही है, ये देखो पहले भाई लिटरली बहुत ह्यूज हुआ करती थी बिल्डिंगें, ये देखो जो स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट्स थे
पहले के समय में गजब हाइट होती थी उनकी बहुत। ये एक मीनार, पहले के मॉन्यूमेंट्स अच्छे खासे बड़े हुआ करते थे। अंदर का आपको एक्सप्लोर करना है उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा, 40,000 सोम है जो मैं कल पूछ के आया था बीबी खानूम मॉस्क के लिए जो ये बगल में है। बाकी बाहर से तो आप देख रहे हो मैं कितना नज़दीक हूँ, मैं चाहूँ तो नीचे भी जा सकता हूँ। और यहाँ से गेट देखो खुला हुआ है हल्का सा। सामने है वॉशरूम जहाँ जहाँ WC है, मतलब वॉशरूम है। और कुछ अब यहाँ पे आ गया हूँ मैं, देखो ये पर रेनोवेट किया जा रहा है नीचे पूरा। देख रहे हो भाई कितना बड़ा है यार, लिटरली इतनी हाइट पे लोग चढ़ के कैसे काम किए हैं वो भी बहुत सोचने वाली बात है। ये है मकबरा, बीबी खानूम का मकबरा इस साइड पे है। ये मकबरे का पार्ट है बीबी खानूम के, ये पार्ट एक्चुअली मकबरा है सिर्फ। तो अंदर जाने के लिए टिकट काउंटर है यहाँ से देखो। और अब ये देखो, ये आमने और सामने ही है, दोनों की तरफ दिया हुआ है। तो भाई अभी मैं मौजूद था यहाँ पे समरकंद में और कुछ इंडियन भाई लोग मिले हैं दिल्ली से, राइट जी। आप यहीं पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो? नहीं मैं तो नहीं पढ़ रहा, मेरा भाई पढ़ रहा है। ओके, तो आप घूमने आए हो? मैं घूमने आया हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताइफ। मोहम्मद ताइफ ये भी भाई घूमने आए हुए हैं और इनके साथ में और भी लोग उधर साइड में खड़े हैं लेकिन वो कैमरा के सामने नहीं आ रहे, भाग गए। उन्होंने शर्म आ रही है। कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं मुझे बहुत बढ़िया लगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका यूट्यूब चैनल बहुत। थैंक यू सो मच। और फिर अभी ये घूम रहा था मैं एक्चुअली, तो अभी भाई लोग आए पूछे आपका चैनल है, क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में था तो देख के उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करते क्यों नहीं। आ रहा है क्या आपको? आइए बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं MBBS थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में कौन सी सिटी से कर रहे हैं? समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, आपके साथ में और कितने लोग इंडियंस हैं? लगभग 2-3 हज़ार इंडियन स्टूडेंट हैं सारे MBBS। और मोस्टली यहाँ पे MBBS के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीप होती है MBBS इंडिया, मतलब में बीटेक में और यहाँ पे बैचलर डिग्री में और भी होंगे ना। इंजीनियरिंग की वो नहीं होती इधर, इधर MBBS तो खाली है MBBS के लिए ज़्यादा। और स्पेशली मेरा दोस्त एक है महफूज आलम नाम था, वो बिश्केक से उन्होंने मेडिकल किया था किर्गिस्तान में। आई थिंक सेंट्रल एशिया में एक ही आपका कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किर्गिस्तान से भी लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। किर्गिस्तान में इधर से और थोड़ा सस्ता होता है MBBS, वो और सस्ता है। हाँ, जबकि उज़्बेकिस्तान की करेंसी हमारे इंडियन के हिसाब से अगर देखें, करेंसी का कोई मसला नहीं होता वो ऊपर, बट फिर भी सेम ही खर्चे होते हैं, सेम ही ऐसी चीजें। फिर ट्रैवल फिर भी बहुत सस्ता है यहाँ पे, अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज करोगे ना तो 13-15 रुपए मैक्सिमम इसमें कटते हैं, आप पूरी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। खाना जो मैंने नोटिस किया, खाना के ऑलमोस्ट बराबर ही, कुछ ज्यादा महंगा सस्ता नहीं है। टैक्सी बुक करनी वो भी सस्ती है हमारी इंडियन में तो कम पड़ती है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था अभी। एक यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे क्या लगा ना, जो कि कजाकिस्तान में भी नहीं था, जो मशीनें लगी हुई हैं टैप और पे करने के लिए। अगर आपके पास मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड है उसमें आपने टैप एंड पे ऑप्शन ऑन किया हुआ है, बस टैप करो बैठ जाओ खत्म करो, कुछ नहीं करना है, ना कैश का झंझट ना कुछ। बाकी समरकंद में मैंने जो नोटिस किया भाई देखने के लिए, एक यही आपका मेन लेन है ये हो गया और रेगिस्तान स्क्वायर हो गया, एक आमिर तैमूर का उधर और मोन्यूमेंट है। तो मैं आ गया हूँ बस के फिलहाल, मैंने जो बस की है 20 नंबर है सिर्फ जाएंगे रेलवे स्टेशन पर। यहाँ मैं था, यहाँ स्टेशन है, तो जा रहा हूँ देखता हूँ बोलते वहाँ पे आस पास का लोकेशन जो मैं एक्सप्लोर करूँगा। 9:40 की ट्रेन है, ट्रिपल ट्रेन है, तो इसको एक्सपीरियंस करते हैं और 1 से 1.40 घंटे की जर्नी है। आ गया हूँ मैं रेलवे स्टेशन के पास में। ये यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना है जहाँ पे सारे ट्रैम आके शुरू होती हैं और यहाँ पे से 2 ही ट्रैम है, ट्रैम नंबर 1 ट्रैम नंबर 2। सो जो ट्रैम नंबर 2 थी वो जाती है उस एरिया की तरफ जो कि आपका रेगिस्तान स्क्वायर है, ट्रैम नंबर 1 सिटी के दूसरे एरिया में जाती है, सिर्फ 2 ही ट्रैम चलती हैं फिलहाल। तो एक वो जा रही है उधर, एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है, एक ये खड़ी है और सामने दिख रहा है समरकंद मुगजाल। सो एंट्री हो गई है मेरी, वो पीछे वहाँ से नॉर्मल सिक्योरिटी चेक जैसे अपने मेट्रो स्टेशन पे है DMRC पे, और टिकट चेक कर रहे हैं आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो अंदर। बाकी ये है सामने पूरा स्टेशन जो बाहर से दिखता है, जिसमें बड़ी सी घड़ी लगी है, इसमें 6 बज रहे हैं अभी, कुछ ऐसा दिखता है। हर जगह का लाइटें नहीं ऑन है बट ठीक है, अंदर ही बैठ जाओ। नीचे तो मैं अंडर पास लेके जाना पड़ेगा, ये दिख रहा है ना स्पेस, अंडर पास दिए हुए हैं स्टेशन चेंज करने के लिए। और ये उज़्बेकिस्तान का मैप, यहीं बैठता हूँ कुछ देर, या उधर पे या इधर पे कहीं पे भी,
बैठ के अपना जो भी है डेटा मेरा बचा हुआ है वो ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यार 3 घंटे मेरे को वेट करना है, 3 घंटे वेट करना है अभी, वो डेटा ट्रांसफ़र करके कार्ड फॉर्मेट करता हूँ मैं।